दूर जितना भी तू मुझसे पास रहे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। Hey guys, कैसे हो आप सब। आज हम एक लेसन करेंगे वन फिंगर स्टाइल प्लकिंग पैटर्न एंड प्ले एनी सॉन्ग इन इट। कोई भी गाना आप बजाना चाहो या कोई भी आप और चीज़ करना चाहो, फिंगर स्टाइल में प्ले करना चाहो उसको, उसके लीड्स टैब्स जैसे भी आप करना चाहो, तो वन ओनली वन ट्रिक और आप मतलब बड़े सारे गाने या कुछ भी बजा सकते हैं 3/4 पैटर्न में, 4/4 पैटर्न में, कुछ भी। अगर आप फिंगर स्टाइल अभी शुरू करना चाह रहे हैं या उसमें कोई प्लकिंग पैटर्न छोटा मोटा करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, लेकिन आप पूरी देखना, ठीक है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया। ये गिटार है टैंगलवुड का, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहला रूल जो हमने इसमें ध्यान देना है, सपोज अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी अभी जस्ट आपको कुछ भी नहीं पता है फिंगर स्टाइल के बारे में, तो पहली जो चीज़, जैसे हम पिक से कोई भी चीज़ करते हैं, प्लक्ट्रम से स्ट्रमिंग करते हैं या नोट प्ले करते हैं, तो इसमें हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से वो चीज़ें प्ले करते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट राइट हैंड रूल, ठीक है। बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं हम ताकि ज़्यादा वो ना बोरियत ना हो। तो राइट हैंड रूल के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने करना है। इसमें आता है PIMA, पी स्टैंड फॉर पल्गर या थम, ठीक है। आई से वही इंडेक्स फिंगर, एम से मिडल, ए से वो एनुरल मतलब रिंग वाली फिंगर। तो ये PIMA रूल है। इसको क्या करना है, हमने जो हमारा थम्ब है ना इसको हमने रखना ऊपर वाली तीन स्ट्रिंग्स के लिए, मतलब कि छठी पांचवी एंड चौथी, इससे हमने यही मारनी है, ठीक है। छठी पांचवी एंड चौथी, ये जो हमारी इंडेक्स है इससे हमने मारनी है थर्ड स्ट्रिंग, ये जो हमारी मिडल है इससे मारनी है दूसरी स्ट्रिंग, और ये जो हमारी तीसरी रिंग फिंगर है इससे मारनी है पहली स्ट्रिंग। तो ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो छठी पांचवी चौथी, इससे ये तीसरी दूसरी और ये पहली, ठीक है। तो ये हमने इसका चीज़ का ध्यान रखना है। आपने यही स्टार्टिंग में, आप चाहो तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट होल्डिंग एनी कॉर्ड या कोई भी फ्रेट या कुछ भी पकड़े बिना। तो आप सिंपल स्टार्टिंग में ऐसे प्रैक्टिस करना है इसे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में ये नहीं होगा आपसे, ये वाली रिंग ये आपको परेशान करेगी, कोई चक्कर नहीं, लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रैक्टिस करना विदाउट होल्डिंग एनीथिंग, ठीक है, सिंपल। चाहो तो आप ये वाली जो अपनी लिटिल फिंगर है इसको ऐसे रेस्ट भी करा सकते हैं यहाँ पे, बड़े सारे लोग ऐसे भी करते हैं, ओके। नहीं तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, अगर आपको, अब हमने कभी ना कभी तो राइट और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेशन बनाना ही है, तो स्टार्टिंग में आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं नोट्स पिक करने के लिए। ये ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल है, स्क्रीन पे है, स्टार्टिंग में जस्ट, फिर हम डायरेक्ट पैटर्न करते हैं ना, आप उसमें बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे, ठीक है, सिंपल अपना ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे ये शेप है, ये यहां तक थंब से ही मारा, फिर आ गई इंडेक्स, फिर आ गई मिडल, फिर आ गई रिंग, ठीक है, इंडेक्स मिडल एंड रिंग, ओके। ओके, तो नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने पैटर्न की ओर, कि पैटर्न क्या है और कैसे उसको हम गानों में बजा सकते हैं। तो हमने सबसे पहली जो चीज़ का इसमें ध्यान देना होता है फिंगर स्टाइल में, वो है रूट नोट का, ठीक है, बेस नोट का। अपने जो हमारा रूट नोट है, कहाँ से हमने कॉर्ड अपनी मतलब स्टार्ट करनी है। आप कुछ भी पकड़ लें, ठीक है, अब कॉर्ड चेंज हो रही है वो पता कैसे चलेगा, रूट नोट से ही, ठीक है। नीचे आप कुछ भी बजाएं, जो मर्जी करें, हमने बस एक ही चीज़ का, जैसे हमने यहाँ पे राइट हैंड वाला देख लिया ना रूल की, हमने थंब और ये सब कैसे रखना है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चीज़ का क्या ध्यान देना है, अपने रूट नोट का। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रूट नोट क्या है कि वही स्टार्टिंग नोट जहाँ से कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, जैसे ए माइनर है तो ए उसका रूट नोट है, और माइनर हो या मेजर हो या कोई भी आपने और कोई पकड़ी हो डिमिनिश्ड या कुछ भी, ठीक है, तो उसका रूट नोट वही रहेगा। जैसे ए माइनर है या ए मेजर है तो रूट नोट ए ही रहेगा। जी मेजर है तब भी हमने जी से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, जी माइनर है तब भी हमने जी से ही स्टार्ट करना है।
ओके नीचे आप जो मर्जी करो, ठीक है, मैं बस आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ए माइनर है, सी मेजर है, जैसे ये सी में भी हमने पांच इस वाली स्ट्रिंग से शुरू करना है, अब उसका रीजन क्या है, पांच, ये नहीं कि पांच स्ट्रिंग से शुरू करना है या छह स्ट्रिंग से शुरू करना है, ठीक है, आपको पता चल रहा है, नोट अगर ए माइनर है तो ए नोट से ही शुरू करना है, सी मेजर है तो हमने सी से ही शुरू करना है, या सी माइनर भी है तब भी हमने सी से ही शुरू करना है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, जैसे ये स्ट्रिंग है हमारी ए, तो ये बी फ्लैट बी सी, ठीक है, रीजन ये है, जैसे ये जी, अब ये नहीं है कि जी ऐसे पकड़िया तो हमने छः से मार दिया, रीजन क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है ई, तो एफ, एफ शब जी, तो जी नोट है ये, दैट्स वाई, अब जी माइनर है तो भी डेट्स है, ठीक है, अब अगर हमने ए माइनर ऐसे पकड़ी तो हम पांच से शुरू करें, बिकॉज ये वाला जो स्ट्रिंग है ओपन है ना, देखो अभी ओपन है तो ए, तो हम इसलिए मार रहे हैं, ए मेजर भी पकड़ी है तब भी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब अगर ए माइनर हम ऐसे पकड़े तो अब हम इसको भी छः से शुरू करेंगे, ठीक है, लॉजिक वो है, वो वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट वाला, रूट नोट वाला, ए माइनर है तो ये कौन सा नोट बना हमारा पांच में पे, ई, ये ई स्ट्रिंग है ना, तो एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और ये जी और ये एफ, ओके, तो समटाइम्स अब हम एफ ऐसे भी पकड़ते हैं, बस मैं आपको ये वाला फंडा आपको बता दूं, बस थोड़ा सा रूट नोट वाला आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, समटाइम्स हम एफ ऐसे भी पकड़ते हैं, ठीक है, ओपन टाइप का, थंब से हमने कुछ नहीं पकड़ा, तो आप यहाँ पे चार से शुरू कर सकते हो, ठीक है, अगर जी ऐसे पकड़े तब भी आप चार से शुरू कर सकते हो, सपोज आप ए माइनर ऐसे पकड़ रहे हो, आपने पांच से शुरू किया, नीचे कुछ भी बजा रहे हो, फिर आपने एफ पकड़ लिया तो आप चार से शुरू कर देना, ठीक है, और फिर अगर जी आप ऐसे पकड़ रहे हो तब भी आप चार से शुरू कर देना, क्यों चार से क्यों, जैसे ये पकड़ा हमने चार स्ट्रिंग से, क्यों, ये कौन सा नोट है, ये कौन सी स्ट्रिंग है, डी, तो ई फ्लैट ई एफ, ठीक है, तो हम डेट्स वाइज को 4 3 1 2 या कुछ भी, अब इधर क्या है, ये जी, अगर ये एफ है, एफ शार्प जी, तो बस हमने नोट्स का ध्यान देना है, रूट नोट्स का ध्यान देना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ, सपोज हम ए माइनर पकड़ रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल बस वही जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, आप वैसे प्रैक्टिस करते रहना, ऐसे ऊपर से नीचे आ जाओ, जैसे 5 4 3 2 1, ठीक है, एफ ऐसे पकड़ते हो तो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, सिंपल ऐसे आओ, स्टार्टिंग में कुछ भी पकड़ रहे हो, सी पकड़ रहे हो तो 5 4 3 2 1, डी पकड़ रहे हो तो ये हमारा रूट नोट बनेगा चार वाली, 4 3 1 2, ओके, सिंपल स्टार्टिंग में, सिंपल कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बस प्रैक्टिस करो, बेस नोट का आपने बस ध्यान देना है, ई माइनर पकड़ते हो तो ये ई बनेगा उसका, ठीक है, ई माइनर हो या मेजर हो उसका बेस नोट या रूट नोट ई बनेगा, तो ये हमारी स्ट्रिंग आगे ई है, तो इसको हम ऐसे शुरू कर देते हैं सीधे, ई मेजर भी हो तब भी 6 5 4 3 2 1, कुछ भी करो, बी माइनर पकड़ते हो ऐसे तो ये हमारा बी नोट है, क्यों, ये हमारी ए स्ट्रिंग है तो बी फ्लैट बी, ठीक है, अब आप बी मेजर पकड़ो तब भी, ठीक है, ये सी, कुछ भी बेस नोट का रूट नोट का आपको ध्यान देना है, अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, पैटर्न है अगर हम ए माइनर जी एफ, ठीक है, पकड़ रहे हैं या डी पकड़ रहे हैं, कुछ भी पकड़ रहे हैं, तो पैटर्न जो है वो है फॉर ए माइनर 5 3 2 3 1 2 3 2, 5 3 2 3 1 2 3 2, 5 3 2 3 1 2 3 2, ओके, अब यही सी मेजर के लिए भी रहेगा, क्योंकि वही उसका भी वही है, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं 5 3 2 3 1 2 3 2, 5 3 2 3 1 2 3 2, ओके, अगर जी ऐसे पकड़ रहे हो, ये भी मतलब यहाँ से ही जा रही है, तो इसमें वही रहेगा 6 3 2 3 1 2 3 2, 6 3 2 3 1 2 3 2, ऐसे पकड़ते हो तब भी वही रहेगा 6 3 2 3 1 2 3 2, आपकी चॉइस है, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, फंडा भी मैंने आपको बता दिया, आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, एफ ऐसे पकड़ते हैं तो 6 3 2 3 1 2 3 2, ठीक है, मोस्टली वही रहेगा, हम किससे खेल रहे हैं, बेस नोट से, समटाइम्स वो पांच वाली स्ट्रिंग पे आ रहा है, समटाइम वो छह वाली स्ट्रिंग पे आ रहा है, समटाइम वो चार वाली पे आ जाएगा, अगर डी पकड़ते हैं तो 4 3 2 3 1 2 3 2, 4 3 2 3 1 2 3 2, ओके, तो ऐसे ही रहेगा, आगे आप कुछ भी करें, ओके, तो सिंपल स्टार्टिंग में आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, को बता दे चाहूं, या मैंने जो आपको बताया अपने तू दिल का बता दे
आप बड़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। अब आप अगर केपो लगाते हो, अब बड़े लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम केपो लगा दें तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप केपो लगाओ, कुछ जो मर्जी लगाओ। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एंड में जब आप देख रहे हो, सिर्फ हम कर रहे हैं 5-3-2-3 और यहाँ पे भी ऐसे 5-3-2-3, मतलब आधा आधा ही आ रहा है वो, जैसे 5-3-2-3 5-3-2-3। ओके, तो वो आपको खुद इम्प्रोवाइज करना है, कैसे क्या करना है। जैसे 3/4 वाले गाने आएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा ही लगा करेगा। दूर जितना भी तू मुझसे पास रहे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने ओके। तो रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहेगा इसका सारा, आप कहीं पे भी बजाएं, ओपन बजाएं, जैसे मर्जी बजाएं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे लेना, जो मैंने आपको पैटर्न बताया आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़े सारे गाने, बड़ी सारी चीज़ें, धीरे धीरे लेना उनको, ठीक है। एंड कहीं कुछ नहीं समझ आई मेरे को ज़रूर बताना, तो अगर लेंथी हो गया तो उसके लिए भी सॉरी, लेकिन आपको सारी बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी कि कैसे राइट हैंड वाला रूल है, लेफ्ट से हमने कैसे प्रैक्टिस करनी है, रूट्स नोट ये वो सारा कुछ जो भी है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुराने वीडियोस भी देखें, नए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।